हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को घटनाएं तो काफी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर्स की क्विज मैं आपको देता हूँ। ये हमारी 152nd 152वीं क्विज है। लगातार आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है, आप सब सब्सक्राइबर की वजह से ही हमारा चैनल है। और यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही है एक समुद्र की, और समुद्र में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है राम सेतु। तो राम सेतु के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है हम हमेशा आपसे पूछते हैं भूजो तो जाने का प्रश्न, और कल का भूजो तो जाने का प्रश्न था जो हम आपसे रोजाना पूछते हैं इस क्विज के एंड में। इसका मकसद होता है कि आपने जो हमारी रोजाना करंट अफेयर्स की क्विज है वो आप कितने ध्यान से देखते हैं। और कल का पूछो तो जाने का प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अतिरिक्त सुविधाओं के साथ कितने रुपए के नोट पेश करेगा। आपको ध्यान हो जब 16 नवंबर को नोटबंदी हुई थी तो 500 के और 2000 के नोट निकाले गए थे। सबसे पहले 2000 का नोट निकाला गया था, बाद में 500 का नोट आया था, उसके बाद 200 रुपए का नोट भी आया है बाद में बनके, फिर जो निकाला गया 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट निकाला जा चुका है, 10 रुपए का नया नोट आ चुका है, केवल 20 रुपए का नोट नया नहीं आया है। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त सुविधाओं वाला नया नोट निकालेगा 20 रुपए का। इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कुमार विनोद जी ने, शिवम कुमार जी ने, रितु मिश्रा जी ने, सुमित सिंह तोमर कासगंज ने, इन चारों ने सबसे पहले इसका आंसर दिया था। इन चारों का नाम हम आपको इस क्विज में ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम हमारी क्विज में आए तो इस वीडियो के एंड में हम आपसे बूझो तो जाने का प्रश्न पूछेंगे जो हमारी पिछली किसी ना किसी वीडियो से रिलेटेड होगा, और आपको उसका आंसर लिख भेजना है कमेंट बॉक्स में। जो भी सबसे पहले इसका आंसर लिखेगा वी विल शाउट आउट हिज नेम इन नेक्स्ट करंट अफेयर क्विज। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोताए छेरिंग भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली हाल ही में पहुंचे हैं। ये हैं भूटान के, भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लोते चेरिंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए। देखिए ये भारत के नक्शे में नेपाल और भूटान, अब भूटान और नेपाल के बीच जो ये आपको छोटा सा स्टेट दिख रहा है ये सिक्किम होता है। सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान तीन कंट्रीज से लगता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब भूटान का नाम आया है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके वही 3 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं जिनके बारे में मैंने आपको कहा हुआ है हमेशा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भूटान की कैपिटल की। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। भूटान की करेंसी है नगल ट्रम। भूटान के किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, और प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भारत की यात्रा पर है लोटे छेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को केंद्रीय बैंक के साथ अतिरिक्त भंडार के मुद्दे के समाधान के लिए गठित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कमिटीज के बारे में जरूर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की कमेटी के लिए अतिरिक्त भंडार के मुद्दे के समाधान के लिए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं हमारे पूर्व गवर्नर विमल जालान। और यहां मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, लेकिन जो यहां शक्तिकांत दास लिखा है ये हमारे प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और इस समिति का जो आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क समिति है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए राकेश मोहन, राकेश मोहन इसके उपाध्यक्ष हैं और 4-5 मेंबर भी इस समिति में हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है आरबीआई के बारे में जो मैंने बताया। और आरबीआई में विमल जालान के आपने नोट भी देखे होंगे, प्रत्येक करेंसी पे गवर्नर के साइन होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, जो भारत सरकार का नोट होता है 1 रुपए का नोट, बाकी सब पे आपने देखा होगा मैं धारक को वादा करता हूं इतने रुपए अदा करने का, उस पे गवर्नर के साइन होके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने ताजा अध्ययन में कहा मानसून के बाद जिन 39 स्थानों से होकर गंगा नदी गुजरती है उनमें से कितने स्थानों पर साफ पानी पाया गया। यानी आप ये मानिए लगभग 39 सिटीज या टाउन्स को टच करके चलती है गंगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानसून के बाद जब इसको चेक किया तो पाया केवल 1 स्थान पर ही गंगा का पानी साफ था, बाकी सब जगह ये प्रदूषित था। और यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम जनवरी में है,
और इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी करनी होती है। भारत में आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपको कोचिंग मिलेगी एनसीआर दिल्ली में, इंडिया का नंबर वन साइको टेस्ट का इंस्टीट्यूट ए टू जेड का। यस, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं इसके बैच के बारे में 9837282318। हमारे इंस्टीट्यूट ए टू जेड क्रैश में बाकी बैच भी चलते हैं, जैसे यूजीसी नेट का स्पेशल बैच चलता है जून 2019 के लिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करते हैं उसके लिए, बैच के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मेन बात, हॉस्टल और रहने खाने की व्यवस्था भी हम उपलब्ध कराते हैं। ए टू जेड क्रैश, इंडिया का नंबर वन चैनल ए टू जेड क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 26 दिसंबर 2018 को कहा कि वह इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन IWUC से हट रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या होता है? इस कमीशन के अंतर्गत जो भी देश साइन करते हैं वो व्हेल मछली का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन अब 26 दिसंबर 2018 को जापान ने कहा है कि मैं इस संस्थान को छोड़ूंगा और व्हेल का शिकार मैं कर सकूंगा कमर्शियली। अगर आपको पता हो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फिशरी मार्केट्स का जापान से होता है। जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप साथ साथ याद कर लीजिए। जापान पैसिफिक ओशन में एक एशियन कंट्री है और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। जापान में राजा का राज चलता है, प्रेजेंट टाइम के जो शासक हैं उनका नाम है अकीहितो। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है। और ये तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से याद हो ही गए होंगे क्योंकि कई कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आपको ये रिपीट कराता हूं तो मेरे साथ आप बोल बोल के करा करें, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो LRSW टेक्निक का इस्तेमाल क्या करें। LRSW टेक्निक क्या होती है? L से लिसनिंग सुनना, R से रीडिंग पढ़ना, S से स्पीकिंग बोलना और W से राइटिंग लिखना। यानी जब आप किसी क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं तो उसे सुने, पढ़ें, बोलें और लिखें। ये तीन काम आपके वीडियो देखने से हो जाते हैं, केवल और केवल एक काम आपके ऊपर बचता है, राइटिंग का। उसके लिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप एक रजिस्टर बना लें और लगातार आप उस रजिस्टर में जो भी 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको रोजाना देते हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि जब भी आप इनको नोट डाउन कर लोगे तो आपकी मेमोरी 200% बढ़ जाएगी। तो LRSW टेक्निक का इस्तेमाल करना कभी ना भूलें जब भी आप ये क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। जब भी आप लाइक का बटन दबाएं उसके बाद जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप हैं वहां पे इसको पोस्ट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे समय में तो प्रतियोगिता दर्पण हम खरीदा करते थे और अपनी करंट अफेयर्स को 1-1.5 महीने बाद तैयार करा करते। आज यूट्यूब और गूगल से ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको दिन के दिन करंट अफेयर्स तुरंत मिल जाती है और यहां पे आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन हम छाटने के बाद देते हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में कोई भी कोताही ना बरते हैं, ये 12 के 12 क्वेश्चन आपको डे के डे याद हो जाने चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम मिले तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के क्विज का। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला संगीत संग्रहालय थिरुवैयरू में स्थापित किया जाएगा? थिरुवैयरू तमिलनाडु में और ये कर्नाटक संगीत में त्रिनेत में से एक संत त्यागराज की जन्म जगह भी है, जन्म स्थान भी है। त्यागराज काफी बड़ा नाम है कर्नाटक संगीत में। थिरुवैयरू तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये पहला म्यूजिक म्यूजियम खोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आसियान देश की संसद ने मारिजुआना के चिकित्सा उपयोग को मंजूरी दी है? मारिजुआना के बारे में एक बार की क्विज में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मारिजुआना भांग को कहते हैं, भांग का पौधा होता है और भांग के पौधे से कई सारी दवाइयां भी बनती हैं और इसका नशे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काफी ज्यादा ड्रग्स भी इससे बनती है। मारिजुआना, मारिजुआना के पौधे पे बीज और फल लगते हैं, वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा के लिए थाईलैंड की संसद ने मंजूरी दिया और थाईलैंड भारत का एक पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश के बारे में वही चार पॉइंट आप दोबारा रिवाइज कीजिए, अगर आपको याद है तो ओके, बट अगर याद नहीं है तो मेरे साथ जरूर दोहरा लें। थाईलैंड में राजा का राज चलता है और थाईलैंड के किंग है महावजीरा लोंगकोर्न, राष्ट्रपति है प्रायुत चैनोचा और कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बैत।
ये चार पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और टेंशन नहीं लीजिए, कई बार अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, इस वीडियो की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रामेश्वरम तमिलनाडु से राम सेतु के शुरुआती बिंदु माने जाने वाले धनुषकोडी तक कितने करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने जाने की मंजूरी दी। रामेश्वरम से 17 किलोमीटर दूर है राम सेतु को एक बार तोड़ने की बात कही जा रही थी। कहा जाता है ये रामायण के समय रामचंद्र जी ने बनाया था और नल नील ने इन पत्थरों को लगाया था। वो जिस भी पत्थर को हाथ लगाते थे वो तैरने लगता था, और आज भी ये एज इट इज भारत और श्रीलंका के बीच अवेलेबल है। और रामेश्वरम से ये धनुषकोडी का जो साइन है, यहां तक की एक ट्रेन चलाई जाएगी 17 किलोमीटर की, 208 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। 26 टाइम नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आयोजित हो रही है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बारे में वही तीन तथ्य हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के सीएम है नवीन पटनायक, जो बीजेटी बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है गणेशीला। मैंने आपको बताया 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब के सीएम गवर्नर और कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसकी ट्रिक भी मैंने दी हुई है, ए टू जेड के रेस की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जीके ट्रिक्स के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको कैपिटल याद करना, सीएम और गवर्नर याद करना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चिरांग जिले में ए नदी के तट पर तीसरा डविजिंग महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें लगभग 15 लाख पर्यटक भाग लेंगे, जो बांग्लादेश भूटान नेपाल आसपास की कंट्रीज से पहुंचते हैं, और एक बड़ा ही सुंदर फेस्टिवल होता है हर साल। ये कहां होगा? ये होगा असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर। आपको असम के बारे में ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मुझबानी याद है। असम के कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम है श्री सर्बानंदा सोनोवाल, और असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है जगदीश मुखी। इतने तथ्य आपको किसी भी स्टेट के बारे में पता होने चाहिए। अगर लगातार आप रोजाना मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये तथ्य याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए अपना अलग उच्च न्यायालय और देश का 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले देश में 24 हाई कोर्ट हैं, 29 राज्य हैं, लेकिन 25वां हाई कोर्ट अलग से बनाया जा रहा है। किस राज्य के लिए? यह है आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे 2014 में, तब ये 28वें और 29वें राज्य बने थे। 28वां राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल हैदराबाद रखी गई, लेकिन 2014 में ये अमरावती कर दी गई, और अमरावती शहर में ही आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय खोला जा रहा है, जो 2024 से आंध्र प्रदेश की कैपिटल होने वाली है। और ये हाईकोर्ट 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा आंध्र प्रदेश के लिए। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है उनका नाम है एनसी चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको किसी भी स्टेट के बारे में जरूर मुझबानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने कूनो वन्य जीव अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं, वन्य जीव अभ्यारण होता है सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल पार्क। इन दोनों में फर्क क्या होता है? नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड होती हैं, ये चीज याद रखेंगे, ज्यादा आदमी वहां पे बगैर परमिशन के नहीं जा सकते, और इसमें एक्टिविटीज बैन होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। वन्य जीवन अभयारण्य एक एरिया को चिन्हित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पे वन्य जीव रहते हैं, लेकिन वहां पे जैसे ग्रेजिंग यानी घास चराना, चरवाहे जाके अपने जानवरों को घास चरा सकते हैं, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं कर सकते, और नेशनल पार्क की एक बाउंड्री भी बना दी जाती है, जबकि जो सेंचुरीज होती हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो हाल ही में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है, और ये भारत का 12वां नेशनल पार्क होगा, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अब से नेशनल पार्क कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे गिर फॉरेस्ट गुजरात से
शेरों को स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि अब भी वहां पे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही थी और काफी ज्यादा शेर आपस की लड़ाई की वजह से मारे गए। और कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क कहलाएगी, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस नए सीएम बने थे कमलनाथ, ये आपको ध्यान होगा। और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर राज्य के ग्रामीण छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की है? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नाम पे एक इंटरनेशनल स्कूल खोला जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है। और महाराष्ट्र के बारे में वही तीन पॉइंट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी पार्टी के सीएम है, और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर है सीवी राव। और आज का बुझो तो जाने का प्रश्न है हमारी पिछली एक क्विज से, आप कितने ध्यान से इस क्विज को देखते हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में किस संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया? आपको उस वायरस का नाम बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, सही आंसर लिखने वाले का नाम हम अपनी अगली करंट अफेयर्स की क्विज में लेंगे। वी विल शाउट आउट योर नेम इन नेक्स्ट करंट अफेयर क्विज इफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। ए टू जेड करियर्स इज ऑलवेज विद यू, प्लीज सब्सक्राइब ए टू जेड करियर्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, दस यू विल गेट माई न्यूएस्ट करंट अफेयर्स वीडियो डायरेक्टली इन योर बॉक्स। प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। यूजीसी की तैयारी करते हो, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, हायर एजुकेशन की, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलेगा। उस पर मैंने नंबरिंग भी की हुई है, हैशटैग डाले हुए, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। और आपको पता होगा हम हमेशा कोई ना कोई पेपर की सॉल्यूशन की भी डालते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल सब्सक्राइबर, गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। माय नेम इज डॉक्टर कुमार नीत गोयल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इवन यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।